नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में आएगी तेजी, सभी मुख्यालयों में शिविर लगाने का फैसला। बिजली कंपनी ने सभी डीएम से मांगा सहयोग। यूपीआई ने एटीएम को पछाड़ा, एटीएम लाइनों का दृश्य समाप्त के कगार पर। लोगों में भीम, गूगल पे और पेटीएम का बढ़ा क्रेज। राज्य शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी, प्रधानाध्यापकों की रिपोर्ट पेश करने की मांग। निदेशक ने सभी जिला पदाधिकारियों को भेजा नया फॉर्मेट। डीआईजी का औचक निरीक्षण, पटना के कई थानों पर औचक निरीक्षण। पटना पुलिस में मचा हड़कंप, कई थानों को सुधार के दिए गए निर्देश। और जानिए यूनिस खान ने क्यों की बाबर आजम की आलोचना। बाबर आजम को क्यों दी कोहली से सीखने की सलाह, कहा हमारे प्लेयर्स खेलते कम बोलते ज्यादा हैं। अब खबरें विस्तार से। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बिजली कंपनी ने सभी जिलाधिकारियों को सहयोग का आग्रह किया है। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों ने प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाने का फैसला किया है। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जहां बिजली उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिल ट्रांसफर जैसी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भी भेजा है। रविवार को जारी इस पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिहार में नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत मिशन मोड में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने एटीएम सेवाओं को पछाड़ दिया है। बता दें आजकल लोग एटीएम की बजाय डिजिटल पेमेंट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भुगतान की प्रक्रिया को इतना सरल और तेज बना दिया है कि अब बैंक एटीएम पर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। यूपीआई ट्रांजेक्शन की गति इतनी तेज हो गई है कि अगले 24 महीनों में ये आंकड़ा हर महीने 20 अरब यूपीआई ट्रांजेक्शन तक हो सकता है। बिहार में 6548 बैंक एटीएम संचालित है, लेकिन अब एटीएम पर लगने वाली लाइनों का दृश्य लगभग समाप्त हो चुका है। छोटे वेंडरों से लेकर बड़े शोरूम्स और मॉल्स तक यूपीआई पेमेंट की सुविधा हर जगह उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं पूरी मानवता की तरक्की और खुशहाली के लिए थी। उनका संदेश प्रेम, सहिष्णुता, शांति और विश्व बंधुत्व का है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे इस पर्व को सौहार्द, आपसी प्रेम के साथ मनाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। पटना में आज सोमवार की सुबह बिहार पुलिस के उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक ने कई थानों का औचक निरीक्षण किया, जिससे पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान पटना एसएसपी ने कोतवाली, सचिवालय, शास्त्री नगर, बुद्धा कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी और गांधी मैदान थानों का जायजा लिया। अटल पथ पर स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की चेकिंग की गई और पाया गया कि वे अपने निर्धारित स्थलों पर मौजूद थे। हालांकि सचिवालय थाना की गश्ती संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके लिए थानाध्यक्ष को सुधार के दिशा निर्देश दिए गए। दूसरी ओर बुद्धा कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी और गांधी मैदान थानों की संतोषजनक स्थिति रही। कोतवाली और शास्त्री नगर थानों को पेट्रोलिंग में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया है। राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से संबंधित रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक नया फॉर्मेट भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इस फॉर्मेट के माध्यम से विभाग ने उन विद्यालयों की रिपोर्ट मांगी है जहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। बता दें कि इसके लिए 4 सितंबर को दिशा निर्देश भी जारी किया गया था, जिसमें ये स्पष्ट था कि पुराने वेतनमानों वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि राज्य में लगभग 9000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, और इस नई पहल के तहत विभाग सभी जिलों से रिपोर्ट की मांग कर रहा है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके।
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन इमारत ए शरिया के अमीर सह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और खानकाह रहमानी मुंगेर के सज्जाद नसी हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने बापू सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। फैसल रहमानी ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक 1955 के अधिनियम में संशोधन कर वक्फ की संपत्ति और जमीन को जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों को वक्फ के लाभों और मुनाफे से वंचित करना है, जो भारत के संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। बिहार में अपराध से जुड़े मामलों की लंबित संख्या पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। चल रहे मीडिया के खबरों के अनुसार राज्य में करीब 17 लाख अपराध मामले जांच के लिए लंबित हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में इन लंबित मामलों के बारे में समीक्षा की। बैठक में सामने आया कि इनमें से 8.5 लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जिनमें आरोपी फरार है या उनके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। वही 5.60 लाख मामले ऐसे हैं जिनमें अभियोजन यानी कि साक्ष्य की कमी है और 1,08,000 मामलों में आरोपियों को जांच पेपर नहीं दिए गए हैं। इनको देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला अभियोजन पदाधिकारियों को इन मामलों की त्वरित समीक्षा और समाधान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बिहार में चल रहे डमी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने सभी CBSE से संबद्ध स्कूलों का औचक निरीक्षण कराने का फैसला किया है। ये कदम तब उठाया गया जब बड़ी मात्रा में डमी स्कूलों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। CBSE ने इस जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है जो विभिन्न स्कूलों की बारीकी से जांच करेगी। नोटिस के अनुसार जांच टीम में CBSE के एक या दो अधिकारी और बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी एक स्कूल के प्राचार्य को भी शामिल किया जाएगा। इस निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्कूल में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। बीते दिन कैमूर के चैनपुर प्रखंड के करकटगढ़ जलप्रपाड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। पिकनिक मनाने के लिए आए 11 लोग अचानक तेज बहाव में फंस गए थे। इन लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए NDRF और SDRF की टीम देवदूत की तरह आई और उनका सफल रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में कोचस के अंगद चौहान का पुत्र सरोज कुमार, कंचन राम का पुत्र अजीत कुमार, मुमताज का पुत्र मोहम्मद फिरोज, मुबारक अली का पुत्र अरमान अली, कमला पांडे का पुत्र निर्भय पांडे, कैलाश चौहान का पुत्र पिंटू चौहान, मनोज चौहान का पुत्र रोहित कुमार, रिंकुनाथ सिंह का पुत्र लाल बाबू सिंह, स्वर्गीय कमल चौहान का पुत्र अरविंद कुमार, असीम साई का पुत्र नसीम साई और रामचंद्र चौहान का पुत्र सरोज शामिल था। भाजपा ने बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इस सर्वेक्षण के कारण गांव-गांव में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं जिससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ जाएगा। बीते दिन पार्टी से जुड़े अधिवक्ताओं की पटना में हुई बैठक के बाद ये मांग की गई है कि बैठक में नए फौजदारी कानून, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून और बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नया फौजदारी कानून पुलिस को अनावश्यक अधिकार प्रदान करता है और इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुराने कानूनों में संशोधन की संभावना मौजूद थी। भाजपा ने बिहार सरकार से नए फौजदारी कानून पर पश्चिम बंगाल की तर्ज पर प्रस्ताव पारित करने की मांग भी की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का भूमि सर्वे जारी रहेगा जब तक कि लोगों की पूरी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भूमि संबंधी कागजातों को सर्वे कार्यालयों में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है और आगे भी तय नहीं होगी। सर्वे का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भूमि विवादों का समाप्त करना है, न कि उन्हें बढ़ाना है। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के निवासियों से अपील की है कि वे परेशान ना हो और इस प्रक्रिया को समझें। बता दें कि वर्तमान में पहले चरण के अंतर्गत 20 जिलों के 89 अंचलों के 4,927 गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अब तक राज्य में कुल 45,749 गांवों में से 38,211 गांवों में सर्वे शुरू हो चुका है। केवल शहरी असर्वेक्षित
टोपोलैंड और विवादित 2611 गांव में सर्वे बाद में किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बीते दिन तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और इसे एक तरह से धंधा बताया। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि जब उनकी सरकार थी तब राज्य में जाति जनगणना हो रही थी, आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई जा रही थी और नई आईटी, स्पोर्ट्स और टूरिज्म नीतियों का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरी प्रदान की, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराया और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया। वही तेजस्वी यादव ने इशारों में प्रशांत किशोर की नई पार्टी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे अपने विरोधियों को तोड़ने के लिए नए नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है और इसे फुलझड़िया पार्टी करार दिया। तेजस्वी यादव ने बीते दिन मधुबनी जिले में कहा कि राज्य सरकार उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में सीआईडी और स्पेशल ब्यूरो के लोगों को भेज रही है और दरभंगा के कार्यक्रम में भी ऐसा ही जासूसी का मामला सामने आया था। उनका कहना है कि इस गतिविधि के तहत उनके परिचय कार्ड से जासूसों की पहचान की गई। वही इस आरोप के जवाब में जनता दल यूनाइटेड ने आज बयान जारी किया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के लिए सीआईडी द्वारा इनपुट प्रदान करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वे किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, प्रदर्शन या धार्मिक समारोह में सुरक्षा सुनिश्चित करें। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि राजनीति में ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना सही नहीं है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी स्थिति पर यूनिस खान ने टिप्पणी की है। यूनिस खान ने स्टार बैटर बाबर आजम को आलोचना का निशाना बनाया है और उन्होंने विराट कोहली से सीख लेने की सलाह दी है। यूनिस खान ने कराची प्रीमियर लीग के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म में गिरावट चिंताजनक है और पिछली 16 टेस्ट पारियों में उनका अर्धशतक नहीं बनाना एक बड़ा संकेतक है। यूनिस का मानना है कि अगर बाबर और अन्य टॉप खिलाड़ी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम के परिणाम भी सकारात्मक होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है छोटे लाल मोहम्मद, शाकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, कन्हैया कुमार, कुश कुमार यादव, संजीव कुमार, छोटू राजा, राकेश कुमार, संघर्ष कुमार, राम बाबू दास, सुनील कुमार। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? अगर लाभ मिल रहा है तो आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।